कभी सोचा है आपने कि आईपीएल पैसे कैसे कमाता है? क्या आपने सोचा है कि एक चेन्नई सुपर किंग्स जिसकी ब्रांड वैल्यू 700 करोड़ रुपए है, ऐसे में 20 करोड़ रुपए की विनिंग प्राइस इस टीम के लिए क्या मायने रखती होगी? चलिए आज आपको इस वीडियो में आईपीएल का बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि जो आप टीवी पर देखते हैं वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, असली खेल तो टीवी के पीछे चल रहा है। आईपीएल के शुरू होने से पहले दोस्तों मार्केट में आईसीएल आया था, जिसका फुल फॉर्म था इंडियन क्रिकेट लीग, जो जी एंटरप्राइजेस ने लॉन्च किया था और जिसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल आईपीएल जैसा था। अलग अलग शहरों की टीम्स होंगी, प्लेयर्स को ऑक्शन होगा और आपस में मैच होगा। कमाल की बात यह है कि आईसीएल को ना तो बीसीसीआई ने रिकॉग्नाइज किया, ना ही आईसीसी ने रिकॉग्नाइज किया। इनफैक्ट जो प्लेयर्स खेलने के लिए राजी हुए आईसीएल, उनके खिलाफ बीसीसीआई ने नाराजगी जताई और इसको रोकने के लिए बीसीसीआई ने डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स की सैलरीज बढ़ा दी और साथ में वॉर्न किया कि अगर कोई प्लेयर इस टूर्नामेंट को खेलेगा तो बीसीसीआई के टूर्नामेंट्स में उसको जगह नहीं दी जाएगी। और बीसीसीआई ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि बीसीसीआई नहीं चाहता कि ऐसी कोई लीग हो जो बीसीसीआई के कंट्रोल में ना हो। लेकिन फिर सितंबर 2007 में बीसीसीआई ने लॉन्च कर दिया आईपीएल। लेकिन उस वक्त के बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट थे ललित मोदी, उन्होंने कहा कि भाई हमने आईसीएल से किसी भी तरह की कोई इंस्पिरेशन नहीं ली है। उनके दिमाग में ये आइडिया काफ़ी पहले से था। आईपीएल के आने के बाद धीरे धीरे आईसीएल मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाया और 2009 में आईसीएल का लास्ट सीजन खेला गया। अब बात करते हैं बीसीसीआई की। शायद आपको नहीं मालूम होगा कि बीसीसीआई खुद एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, बीसीसीआई की जिम्मेदारी है कि वो आईपीएल ऑर्गेनाइज करवाए। बीसीसीआई के अलावा तीन और कॉम्पोनेंट्स हैं आईपीएल में। पहला ब्रॉडकास्टर्स, जिस टीवी पर आप मैच देखते हैं। फिर आती है टीम्स, जिसे प्राइवेट कंपनीज ओन करती हैं। फिर आते हैं स्पॉन्सर्स, जो प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करते हैं और आईपीएल को स्पॉन्सर करते हैं। देखिए, बीसीसीआई के लिए अर्निंग के दो तरीके हैं। पहला तो स्पॉन्सर। अब स्पॉन्सर के भी दो तरीके होते हैं। पहला टाइटल स्पॉन्सर। आपको याद होगा कि एक वक्त था जब आईपीएल को कहते थे डीएलएफ आईपीएल, फिर कहने लगे पेप्सी आईपीएल, फिर हमने इसको वीवो आईपीएल कहा और 2022 और इस बार हम इसको टाटा आईपीएल कह रहे हैं। आईपीएल के पहले जिस भी ब्रांड का नाम इस्तेमाल होता है उसे टाइटल स्पॉन्सर कहते हैं, क्योंकि जब भी आप आईपीएल का नाम लेंगे तो आपको इस ब्रांड का नाम लेना ही पड़ेगा। शुरुआती 5 सालों में आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर डीएलएफ था और इसकी स्पॉन्सरशिप फीस थी 40 करोड़ हर साल की और ये पैसा बीसीसीआई के पास गया था। फिर 2013 से 2015 तक पेप्सी ने 79 करोड़ रुपए दिए थे। फिर आया वीवो। 2016 से 17 में वीवो ने दिए 100 करोड़ रुपए साल के और फिर 2018-19 में 440 करोड़ के आसपास दिए। 2020 में टाइटल स्पॉन्सर था ड्रीम इलेवन, जो सिर्फ एक साल के लिए टाइटल स्पॉन्सर रहा था। 2021 में फिर से वीवो ने एंट्री कर ली थी 440 करोड़ में और 2022 में टाटा बन गया था टाइटल स्पॉन्सर। एक एस्टिमेट में कहा गया है कि 330 करोड़ रुपए के आसपास टाटा ने स्पेंड किए थे। अब ये जो पैसा टाइटल स्पॉन्सर के नाम से आता है उसे आधा बीसीसीआई अपने पास रखता है और आधा टीम्स को दे दिया जाता है। फिर आते हैं आईपीएल के ऑफिशियल स्पॉन्सर्स, जो अलग अलग चीजों को स्पॉन्सर करते हैं। जैसे मैच के दौरान आपने नोटिस किया होगा कि क्रेड पावर प्ले, ड्रीम इलेवन गेम चेंजर ऑफ द मैच, सीएट टायर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, जो अच्छा खासा पैसा बीसीसीआई को देते हैं। अगला कमाई का जरिया है ब्रॉडकास्टर राइट्स। बीसीसीआई ब्रॉडकास्टिंग राइट्स देता है चैनल्स को पैसे के एक्सचेंज में। आईपीएल के शुरुआती 10 साल में ये राइट्स सोनी के पास थे। 2008 से 2017 तक सोनी ने आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदे थे, जिसकी कीमत थी 8200 करोड़ रुपए। हर सीजन के लिए करीब 820 करोड़ रुपए दिए थे। फिर साल 2018 में स्टार स्पोर्ट्स ने इसके राइट्स खरीद लिए, वो भी 16400 करोड़ रुपए की कीमत देकर। 2022 तक यहाँ पर भी वही केस था, आधा पैसा बीसीसीआई रखती थी और आधा पैसा टीम्स को दिया जाता था। फिर बात करते हैं आईपीएल टीम की। आईपीएल टीम को प्राइवेट कंपनीज ओन करती हैं या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल, जो सेलिब्रिटीज़ या बिजनेसमैन होते हैं। आईपीएल टीम पर बहुत पैसा खर्च होता है। पैसे प्लेयर्स की ट्रेनिंग में खर्च होता है, सैलरीज देने में खर्च होता है, उनके ट्रांसपोर्टेशन में खर्च होता है। ये सब खर्च मिलाकर करीब 200 करोड़ रुपए आता है। अब इसके लिए पैसा कहाँ से आता है? आधा पैसा तो बीसीसीआई अपने खर्चे से देती ही है, बाकी के खर्चे के लिए स्पॉन्सर्स लाए जाते हैं। ये वो ब्रांड्स होते हैं जो आईपीएल की जर्सी पर आपको दिखते हैं। ऑन एन एवरेज 10 के आसपास ब्रांड्स होते हैं एक आईपीएल की जर्सी पर। स्टेडियम में जो टिकट बिकते हैं उसका भी पैसा जाता है आईपीएल टीम्स के पास और ये पैसा जिस स्टेडियम में मैच हो रहा होता है उस टीम की होम टीम के पास जाता है। बाकी का 20% होम स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को दिया जाता है। हालांकि टिकट्स बेचकर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आता है। एक एस्टिमेट के मुताबिक सिर्फ 4 करोड़ रुपए आते हैं एक मैच स्टेडियम के टिकट बेचकर। अब बात करते हैं प्राइज मनी की, जो कि सिर्फ 20 करोड़ रुपए है और रनर अप के लिए 13 करोड़ रुपए है। ये जो प्राइज मनी है उसका आधा पैसा ओनर के पास जाता है और आधा पैसा प्लेयर्स में इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से आईपीएल पैसा कमाता है। इस आईपीएल आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं हमको नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम कॉन्टेंट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स लाइव।